फिरोजाबाद नगर निगम में कुछ ऐसे युवा हैं जो पहली बार अपना मतदान करेंगे। दाऊदयाल कॉलेज में आज ऐसे ही युवाओं के साथ बातचीत की और तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। आखिर किस तरह का जनता चाहती है मेयर? ये कि अगर फिरोजाबाद नगर से महिला प्रत्याशी है तो ये हम महिलाओं के लिए गौरव की बात है, लेकिन महिला प्रत्याशी को महिलाओं को ही अपने समूह में एकत्रित करके सारे कार्यों को देखना चाहिए, कार्यभार महिलाओं को ही संभालना चाहिए, ना कि पुरुष प्रधान देश होते हुए सारे पुरुष लोग इस कार्य को संभाले। और मतलब हाँ, अगर महिला मेयर बने तो उसमें वो जो भी कार्य करवाए उसमें सारे अधिकार जो है वो महिलाओं को ही दें, महिलाओं को ही आगे आने दें, जिससे कि महिला अपने आप को साबित कर सके कि हाँ मेरा सशक्तिकरण हुआ है और मैं अपने देश में कार्य करने लायक हूँ। तो ये हमारे फिरोजाबाद नगर से ही होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कहना चाहती हूँ सभी महिला उम्मीदवारों से और उनके परिवार से खास करके कि वो उनका काम उन्हें संभाल ले दें, खुद ना संभालें, उनकी प्राथमिकता है जो वो उन्हें मिले। फिरोजाबाद में 29 तारीख को मतदान का महापर्व आयोजित होने जा रहा है। खास बात यह है कि पहली बार नगर पालिका नगर निगम बनी है और यूथ को एक मौका मिला है मतदान करने का। तो बात करेंगे यूथ से, युवाओं से, कि किस तरह की इस बार मतदान करेंगे और किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं। हमारा प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो जनता की बात को सुने, और है ना जो लोग वोट देने नहीं जाते हैं उनको भी हमें वोट के बारे में शिक्षित करना चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो वोट देने जाते हैं परंतु गलत मतलब ऐसे को दे आएंगे, उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि हमें किसको वोट देना है किसको नहीं। इसलिए हमें लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। और कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती है कि जो है ना दबाव देती है, धमकाती है, उनके दबाव में आकर लोग गलत वोट दे देते हैं। बिल्कुल नहीं धमकेंगी नहीं, क्योंकि हमें सही सरकार का चुनाव करना है, अपने भारत का निर्माण अच्छे से करना है, इसलिए हमें। आपका वोट है? जी हाँ, हमारा वोट है। पहली बार वोट डालेंगी क्या? जी हाँ। किस तरह का कैंडिडेट चाहती है? किस हम इस तरीके का कैंडिडेट चाहते हैं कि इस नगर निगम का निर्माण करे अच्छे तरीके से, साफ सफाई, स्वच्छता रखे, लोगों का ध्यान रखे, उनकी जरूरतों को पूरा करे, उन पर ध्यान रखे, उनकी जो क्या जरूरतें हैं फिरोजाबाद में, मौलिक रूप से फिरोजाबाद शहर में क्या जरूरतें हैं नगर निगम को लेकर? सफाई है सबसे पहले तो, और जो रोजगारी है जो इसमें अभी कमी पड़ रही है जो लोगों के लिए जरूरी है सबसे ज्यादा। और इस बार आप पहली बार वोट करेंगे? यस मैम। तो कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप, जो है कैसी महिलाएं इस बार तो प्रत्याशी हैं, फिर कैसे सिलेक्ट करेंगे कौन अच्छी कौन? बोलो मैं नहीं बोल पाऊंगी। फिर भी कैसे क्या हम वोट कैसे कैसे डालेंगे? सही डालेंगे वोट, अच्छी तरह डालेंगे। आप बताएं हम अपने फिरोजाबाद का ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो साफ सफाई रखे, जनता की बातों को सुने, और हमारे और शहर की तो छोड़ो हमारे कॉलेज के बाहर ही इतनी गंदगी होती है, निकलने में प्रॉब्लम होती है, मंगल के दिन मंगल बाजार लगता है, इतना ट्रैफिक होता है कि हमें प्रॉब्लम होती है, ऊपर से उसका इतना साउंड होता है, पढ़ने में परेशानी होती है। इसीलिए मैं ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारी सारी समस्याओं को हल कर सके। कैसे कैसे डिसाइड कर पाएंगे, अच्छे बुरी का फैसला कैसे हो पाएगा? सारे प्रत्याशी अच्छे लग रहे हैं आज तो, कैसे डिसाइड करेंगे? जो हमारी समस्याओं को अच्छे से समझेगा, सॉल्व करेगा, वही अच्छा होगा, जो अच्छा कार्य करेगा और सफाई उफाई सब ठीक हो। अच्छा बताएं फिरोजाबाद में मौलिक समस्याएं क्या हैं, नगर निगम में क्या दिक्कतें हैं जो अभी तक नहीं हुई और होनी चाहिए थी? फिरोजाबाद में पेयजल की सबसे ज़्यादा समस्या है, और एक गंदगी। सबसे पहले तो गलियाँ जो भी कच्ची हैं, जो नए नगर बने हैं उन्हें पक्का करवाएं, नाली वाली बनवाएं, इससे गंदगी कम हो। और ये गंदगी जो भी निकाली जाती है वो बाहर ही पड़ी रहती है, जिसकी वजह से फिर वो अंदर जाके फिर से गंदगी हो जाती है, तो उसको हटवाया जाए। अच्छा अगर आप आपको मेयर बनाया जाए तो आखिर कैसे क्या करेंगी? अगर मैं मेयर बनी तो मैं पहले तो यहाँ फिरोजाबाद की साफ सफाई करवाऊंगी, और उसके बाद जो भी ट्रैफिक जाम है उसका संशोधन करूंगी, और जो पानी है पानी व्यवस्था कराऊंगी, और उसके बाद में जो भी टूटी फूटी सड़कें हैं उन सड़कों को मैं पहले संभलवाऊंगी, और जो भी जैसे काम है जो नेता लोग नहीं करते हैं वो काम कराऊंगी मैं। जी बिल्कुल, हम कुछ कॉलेज स्टाफ से भी बात करेंगे। आपके कॉलेज के बाहर कचड़े ढेर की बात आई तो आखिर क्यों नहीं हो पाया समस्या का समाधान? पहले कभी कंप्लेंट भी की आपने? नहीं, बहुत बार नगर निगम को लेटर भी जा चुका है। मंगल बाजार पहले सफाई के लिए हमने बोला तो मंगल बाजार उन्होंने लगवा दिया कि अब आपका साफ रहेगा, कि मंगल बाजार से तो हमें और ज़्यादा दिक्कत हो गई है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, हम लोग आते हैं हम लोग को दिक्कत है, गाड़ियाँ वगैरह बाहर खड़ी हो जाती हैं सारी, अंदर नहीं घुस पाते हम लोग। जी कॉलेज के बाहर कचरे के ढेर खड़े रखे हुए हैं, कोई अभी तक समस्या
किन किन अधिकारियों से बात हुई और क्यों समाधान नहीं हो पाया? क्या हमारे यहाँ तो डीएम साहब जो पहले भी रहे उनसे भी बात हुई, लेकिन सर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो फ्लाईओवर के नीचे इसके सुंदरीकरण का जो प्लान था वो आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। ये काफ़ी भद्दा लगता है और इससे ट्रैफिक समस्या और बढ़ गई है, क्योंकि उसके फ्लाईओवर के नीचे से कुछ वाहन निकल जाते थे जब जाम होता था, तो अब वो इधर ही फंसे रहते हैं और ना वो ऊपर चढ़ पाते हैं, और मंगल बाजार लगने की वजह से इतनी धूल इतनी डस्ट कि हमारे कॉलेज में बच्चों का रुकना और पढ़ना दुश्वार हो गया है। तो इसका सुंदरीकरण हो पूरी तरह से और यहाँ से गंदगी का पूरी तरह से खात्मा हो, इसके लिए प्रयास करें। ऐसा जी जी कैसे हो सकता है? संभव हो सकता है क्या? जी बिल्कुल संभव हो सकता है यदि सरकार हमारे प्रति जागरूक बनी रहे तो। और यहाँ का नगर प्रमुख जो अभी तक सोया हुआ है, और जो भी आते हैं वादे करते हैं लेकिन वादों के अनुकूल वो ढलते नहीं, अपने निभाते नहीं हैं, और उनको हमारा यही प्रयास है इस समय के जो नए नगर प्रमुख आए हैं उनसे हमें यही उम्मीद है कि वो आएँ और हमारी सभी जन समस्याओं को सुने और समझे और उनका निराकरण। इस बार फिरोजाबाद नगर निगम में कई प्रत्याशी हैं जो महिलाएं हैं, शिक्षित भी हैं, तो क्या मानते हैं शिक्षा और ये सब चीज़ जरूरी है मेयर के लिए? महिला सीट मिलके एक बहुत बड़ा उपलब्धि हुई है हम आम जन के लिए, चूंकि मैं देखती हूँ बाहर विदेशों में आज एक महिला राष्ट्रपति भी पद ले चुकी है, और इस प्रयास में कि महिला और आगे बढ़े ये फिरोजाबाद जनपद के लिए बहुत अच्छा एक प्रयास है। और महिला सीट लेने के साथ साथ ही एक महिलाओं को भी एक संबल मिल गया है कि ये शिक्षा जो हम ले रहे हैं वो बेकार नहीं है, और यही है कि हम अपने छोटी जो युवा पीढ़ी है उसको भी शिक्षित करके कि आम जन तक यही पुकार हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा चल रहा है वो शिक्षा के दौर में वो भी महिलाओं के लिए बहुत खास है, बहुत उपयोगी है। तो आप क्या लोगों को सजेस्ट करेंगे कैसे प्रत्याशी को चुने जो जनता के? प्रत्याशी वही हो, एक तो पहले जो प्रत्याशी हमारा यदि कारगर है इस क्षेत्र में और अर्थदंड लगाकर किसी भी तरह का कड़ाई से मुकाबला कर रहा है इस चीज का कि किसी ने यदि डस्टबिन कूड़ा कचरा शादी विवाह समारोह में बाहर जैसे देखा जा सकता है यदि उन्होंने उस पर अर्थदंड लगा दिया गया तो उसको जुर्माना उसमें भुगतना पड़ेगा, तो एक को सबक मिलेगा तो सभी को मिलेगा। तो एक किसी जन को यदि कड़ाई से पालन हो गया तो सभी लोगों को शिक्षा मिल जाएगी कि हाँ इसका मुझे ये हर्जाना भुगतना पड़ा, दूसरा व्यक्ति वो कदम न उठाएगा फिर। जी साफ तौर पर महिलाओं और युवाओं की सोच है कि प्रत्याशी शिक्षित हो, प्रत्याशी जुधारू हो, और खास तौर पर एक नया एजेंडा तैयार किया जाना चाहिए नगर निगम में जो जनता के